वेलकम टू आवर किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूखा जावला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये 200 ग्राम मैंने जावला लिया है, देख लीजिए। इसको अच्छे से साफ़ किया है मैंने और इसको अभी हम भून के लेंगे। एक पैन को गर्म कर लीजिए और ये डाल के उनको 5 मिनट तक धीमी आंच पे इसको भून के लेना है, रोस्ट करना है एकदम धीमी आंच पे। देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए नहीं तो नीचे लग जाएगा। देख लीजिए अच्छे से भुने गया है, कलर थोड़ा चेंज हुआ है। हम उसको 4-5 पानी से अच्छा हमको वॉश करना है। देख लीजिए छन्नी में मैंने रखा है और 4-5 पानी अच्छा वॉश करके अच्छा निदार के लेना है हमको। देख लीजिए पानी नहीं होना चाहिए ज़रा भी। और एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें मैंने तेल डाला है 3 टेबलस्पून भर के, और ये 3 ऑनियन है इसको अच्छा चॉप करके लिया है मैंने, मीडियम साइज़ की ऑनियन है। अच्छा इसको सॉटे करिए, कलर चेंज नहीं करना है, पिंक ही रखना है हमको। थोड़ी सॉफ्ट हो जाना चाहिए इतना प्याज, इतना हमको फ्राई करना है। देख लीजिए इतनी सॉफ्ट करना है हमको। थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करिए इसमें, सूखी लाल मिर्ची 2 मैंने तोड़ के डाला है। देख लीजिए अच्छे से इसको सॉटे करिए, बहुत मस्त बनता है। आप इसको रोटियों के साथ में, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और ये कुटा हुआ लहसुन है, ये मैंने 5-6 लहसुन लिया है, अच्छे से चॉप करके लिया है। और 8-10 मैंने हरी मिर्ची भी चॉप करके लिया है, थोड़ा तीखा अच्छा लगता है ये। देख लीजिए अच्छे से भून लीजिए सबको। देखिए इतना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अभी ये 2 टोमेटो है अच्छे से स्लाइस कट किया है मैंने, और ये ऐड करना है। और इतना अच्छे से इसको भुनना है, टोमेटो दिखना ही नहीं चाहिए, अच्छे से मैश करके लेना। देख लीजिए ये भुना हुआ ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है और धनिया का पाउडर है। इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बस आप चेक कर लीजिए कितना कितना है और अच्छे से भून लीजिए सबको। ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। देखिए इतना अच्छे से मैंने मैश किया है टोमेटो को, अभी भी कर रही हूँ, अच्छे से मैश करके लेना है, दिखना ही नहीं चाहिए इतना हमको मैश करना है टोमेटो को। और ये 3-4 कोकम ऐड करिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करना कोकम डाल के आप सुखट बनाना, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। देखिए कितना अच्छा मसाला भुने गया है, इतना अच्छा भुन के लेना है हमको। देखिए कितना मैंने मैश किया है टोमेटो को, एकदम अच्छा मसाला रेडी हो गया है मेरा। और ये जो सूखट है ये इसमें ऐड करिए। और अब अच्छे से मिक्स करिए। बिल्कुल पानी वानी ऐड नहीं करना है,
ये मसाले में अच्छे भुनी जाएगी और इतना अच्छा भुन के लेना है कि तेल साइड में निकल जाए। देख लीजिए कितना अच्छे से भुन के लिया है मैंने। थोड़ी सी कोथमीर चॉप करके डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सबको। देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई करिए रेसिपी मेरी, और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए तो आने वाली रेसिपी आपको देखने मिलेगी। और देखिए मैंने डिश आउट भी किया है माशाल्लाह से, और मैंने जवारी की रोटी के साथ में सर्व किया है इसको, देख लीजिए। और जवारी की रोटी मेरे चैनल पे है तो आप देख सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।